Hi, today we are going to learn bucket hashing for collision resolution techniques. So in bucket hashing, first learn hashing. If there is a key, so we pass it through a hash function and generate some address. This is hashing. Now in bucket hashing, these addresses are stored, has some buckets. Okay, for example, it has three buckets and each bucket has some slots. So if m slots of hash table are divided into buckets b, with each bucket consist of m by b slots. So agar aapke paas k1, k2 up to k20 keys hai, isko aapne हैश फंक्शन के थ्रू पास किया एंड आपने कुछ एड्रेस जनरेट किए, ठीक है, और ये एड्रेसेस जब आपने जनरेट किए तो फॉर एग्जांपल आपने जीरो जनरेट किया, जीरो इंडेक्सिंग, तो जीरो इंडेक्सिंग पे अगर फोर स्लॉट्स हैं, ठीक है, तो दिस इज जीरो बकेट, से जीरो इंडेक्सिंग का एक बकेट है. ऐसे ही वन इंडेक्सिंग का एक बकेट आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है. सो दीज आर द बकेट्स और ईच बकेट, आपका बकेट कैसे होता है, इस तरीके से होता है, इसमें आप कुछ कुछ सामान ऐसे इसमें फिल करते जाते हो, तो इसमें आप फोर कीज इसमें इंसर्ट कर सकते हो इस इंडेक्सिंग पे. एक एग्जांपल लेते हैं, इन केस आपके पास 20 जो है कीज हैं, ठीक है, और आपने यहीं पे कर लेते हैं 20 कीज हैं और आपने फोर बकेट्स बी इक्वल टू फाइव बकेट्स आपको क्रिएट करने हैं, तो फाइव बकेट अगर आपको क्रिएट करने हैं, इट्स मीन 20/5 एम बाई बी, 20/5 क्या हो जाएगा, फोर, मतलब ईच बकेट के फोर स्लॉट्स होंगे. चलो फाइव क्रिएट कर लेते हैं. ठीक है, ये फाइव बकेट्स हैं जिनकी इंडेक्सिंग 0 to 4 है. अब कीज फॉर एग्जांपल हमने लिया 20, 22, फिर 10, फिर 30, ठीक है, ये फोर कीज हैं. और हैश फंक्शन हम क्या ले रहे हैं, मॉड ऑपरेशन के मॉड 5, ठीक है, तो के मॉड 5 ये हैश फंक्शन हमने लिया है जिसके थ्रू हम इसको पास करेंगे और इंडेक्स कीज जो है यहां स्टोर करेंगे इस बकेट्स में. तो अगर 5 मॉड 20 करेंगे तो क्या आएगा, 0, तो इसका मतलब 20 जो है आपका 0 इंडेक्सिंग पे होगा. फिर 22 को 5 मॉड से करेंगे तो क्या आएगा, 2, तो 22 आपके 2 बकेट्स पे होगा जिसकी इंडेक्सिंग 2 है. फिर 10 को करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0, तो 0 पे आप फर्स्ट स्लॉट पे 20 है तो नेक्स्ट स्लॉट पे आपका क्या हो जाएगा, 10. फिर 30 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 0, तो ये भी आपका नेक्स्ट स्लॉट में हो जाएगा. ऐसे ही 40 को जब हम 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 यहां आ जाएगा, ठीक है. तो इस तरीके से बकेट्स के स्लॉट्स हम फिल करते जाएंगे. इन केस अब 40 के बाद मान लो 21 आता है, तो आपने 5 से 21 से मॉडुलस ऑपरेटर परफॉर्म किया तो क्या आएगा, 1, तो 21 आपने यहां कर दिया. अब आपका आ गया 50, नेक्स्ट की आपकी वैल्यू है 50, तो जब 5 से 50 करेंगे तो क्या होगा, ये 0 इंडेक्स पे जाएगा. अभी क्या है, अगर 0 बकेट अगर आप देखें तो ये ऑलरेडी फुल है, सो नाउ इट इज ओवरफ्लो. जैसे ही ये 50 आएगा तो ये ओवरफ्लो कर जाएगा. इस ओवरफ्लो को भी आप एक टेक्निक है जिसको आप रिमूव कर सकते हैं, या तो इसको जो है एक्सटेंसिबल हैशिंग यूज कर लें इस ओवरफ्लो के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या फिर लीनियर हैशिंग कर लें, ठीक है. तो ये दो मेथड के थ्रू आप जो है ओवरफ्लो की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. तो एक्सटेंसिबल हैशिंग में आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि आप 0 एक ओवरफ्लो अलग से फिर
आप हैश टेबल क्रिएट करें ओवरफ्लो के लिए और उसकी भी जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट करें, और नेक्स्ट जब भी ओवरफ्लो होगा तो वो उसके बाद ही स्टोर होगा। सो दिस इज बकेट हैशिंग। तो बकेट हैशिंग के बेनिफिट क्या है कि अगर आपको जीरो है, जीरो इंडेक्सिंग का कोई की आपको सर्च करना है, तो आपको सिर्फ इस बकेट के ही एलिमेंट्स के सर्च करके आप उसके डेटा को सर्च कर सकते हैं। थैंक यू।